मैं लड़के की इज्जत पे बात नहीं आने दूंगी कि कोई ऐसे फॉल्स एलिगेशन लगा कैसे सकता है। एक लड़की जिसको मैं ना, मेरी कभी हाय हेलो हुई ना, मैं जानता। मैं सोचती हूँ कि मतलब ऐसे पेरेंट्स की हिम्मत है जो अपनी लड़कियों को इन्वॉल्व करके केस करवा देते हैं। और अभी हम माँ बेटे कोर्ट में बैठे हैं, पापा बेचारे वहाँ पे हैं। सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू रनिंग द सेवन व्लॉग्स। यार 12:30 हो चुके हैं, मैं यहाँ पे आज हस्ताल मार्केट में हूँ, कुछ पैकेजिंग की सर्च कर रही हूँ, पूरे में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा। प्लान था सदर जाने का, बट जा नहीं पाई। प्रूफ वो इंसान देता जिसके पास कुछ होता है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं कोर्ट से, अभी बज रहे हैं 1:30, तो पूरा हमारा दिन हो गया। लेकिन वही वाली बात है यार कि अगर आप सच्चे हो तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो यार ले रहे हैं, अभी बताएंगे यार पूरी की पूरी कहानी धीरे धीरे करके। इतने एलिगेशन लगवा के आए और उतरवा के आए। 353D लगा है। तो यार जो ये केस था ना, तो इसमें जब ये डाला गया था तो जितने भी नोन में थे ना हमारे लोग, तो मोस्टली सब ये कह रहे थे कि यार लड़के का करियर खराब हो जाएगा, आप मत करो, लोग क्या कहेंगे ये वो। लेकिन लेकिन मम्मी ने ये कहा था कि यार मैं लड़के की इज्जत पे बात नहीं आने दूंगी कि कोई ऐसे फॉल्स एलिगेशन लगा कैसे सकता है। ये स्टार्ट हुआ तो आज साइन कर दिया है कि आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड क्लेम ट्रायल। तो अब गवाह बुलाए जाएंगे, वो दिखाएंगे, वो बताएंगे कि कैसे छेड़ खाने की, मतलब देखते हैं भाई। एंड उसके बाद भाई इतने सीरियस एलिगेशन है ना, मतलब मैं बताऊंगा बकायदा, एक बार प्रूफ हो जाने दो, आप लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे क्या क्या एलिगेशन लगाए गए हैं। तो ये सारा अब चलने वाला है। तो अब यार इसमें परेशानी भी होती है कि सारे काम छोड़ के जाना पड़ता है, ऑफिस का सारा काम यूं छूट जाता है, कोर्ट में बैठना पड़ता है। आज भी शायद हम लोग 2:30 बजे घर आए हैं, सुबह निकल गए थे 8:30, नींद भी सुबह जल्दी उठना पड़ता है, पूरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। आज क्या हुआ वहां पे, मतलब एक वो प्रैक्टिस कर रहे थे वो भाई, तो वो मिल गए, तो उन्होंने यार वीडियोज वगैरह देखी होगी, तो उन्होंने आके बताया कि यार आपकी वीडियोज वगैरह देखते हैं आप यहाँ पे कैसे। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा रखे। तो कहने सर लेकिन आप लगते तो नहीं हो। मैंने कहा भाई आप फेक डाल रखा, लगते कहने लगते तो नहीं हो ऐसे। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, हट। तो उपासना ने खा लिया खाना एंड उपासना अब थोड़ा सा जल्दी सोएंगी क्योंकि थक गई है। मैं अभी जाके खाऊंगा क्योंकि उपासना ने लिया राइस एंड यार मेरे को ना अरुण पे सच में बड़ा तरस आता है। जब हम गुड़गांव से वापस आए मैं तो आके सो गया। आज भी अभी कितना 8:30 हो रहा है ना। अभी मैंने एक वीडियो एडिट करनी है, फिर व्लॉग में शूट करूंगा। इनको नींद आ रही है क्योंकि बहुत ज्यादा थके हुए हैं, तो मैं अब व्लॉग शूट करूंगा बचा हुआ, उसके बाद मैं उसको एडिट करूंगा। एक मुझे उपासना की दुनिया की एडिट करनी है। और हुआ ये था, मैं कल जा रहे हैं। अब और हुआ ये था, अरुण परसों जा रहे हैं। हुआ ये था कि कल आके और ऐसा हुआ कि 10:30 बजे तक हम अराउंड आए थे और इनको थोड़ा सा ना, मतलब ये ठीक फील नहीं कर रहे थे, तो 1:30 बजे तक तो मतलब इनको थापी दे के ये सोई। उसके बाद इस चीज में बोलती हूँ मैं किस्मत वाली हूँ, मेरे को ऐसा पति मिला। आज तक ऐसा कभी नहीं होगा कि अरुण मेरे से पहले सोए होंगे, हमेशा मैं पहले सोती हूँ, मेरे को सुला के सोते हैं ये हमेशा, इनको हमेशा। और ये नहीं है कि अगर ये सोई ना हो तो मैं फोन यूज करूँ, पहले मैं इनको सुलाऊंगा उसके बाद मैं एडिट करने बैठूंगा। मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि हम 1-2 बज जाते हैं बात करते हैं, और अरुण की मतलब ये बहुत खास है कि वो मतलब फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे आज भी मैं मतलब अभी 8:30 हो रहे हैं, मैं थक गई हूँ, तो मैं कह रही नई वीडियो शूट हो रही सो जा, मैंने कहा व्लॉग कह रहे सो जा मैं कर लूंगा। एक्चुअली क्या मैं बताऊं क्या कि मामाअर्थ की कोलैबोरेशन आ रखी है तो वो शूट थोड़ा जरूरी था, तो बोले कि यार मैं थक गई। मैंने कहा सो जा भाई, काम बाद में हो जाएगा। मैंने कहा सुबह शूट हो जाएगा, सुबह नहीं होगा बाद में हो जाएगा, कोलैबोरेशन है भाई वो वेट कर लेंगे, सिंपल सी बात है ये। फिर उसके बाद ये सोए, उसके बाद मैंने एडिट किया, एडिट करते करते 3:30 बज गए थे आई गेस। फिर मैं सोया, सुबह मैं 8 बजे उठा हूँ क्योंकि 8:30 बजे मैं कोर्ट के लिए निकलना था, 8:30 हम कोर्ट के लिए निकले। फिर भाई वहां पे पूरे दिन अपनी ऐसे कराई, उसके बाद आया फिर ऑफिस पे मैंने बताया। मतलब मैं सच में सोचती हूँ कि मतलब ऐसे पेरेंट्स की हिम्मत है जो अपनी लड़कियों को इन्वॉल्व करके केस करवा देते हैं। मैं आप मतलब पहली बार आज ये नहीं है कि मतलब हम नीचे शूट कर सकते हैं अभी, बट हम बैठ के शूट करें, क्योंकि मैं अरुण से अभी डिस्कस कर रही थी कि अरुण मतलब माँ बाप को लिटरली हैट्स ऑफ कि अपनी बेटी के लिए एलिगेशन लगवा दी लड़के को। बता रहा हूँ आपको ना, ये लगेगा कि मतलब ये बंदा ऐसे ही फेंक रहा है। उस टाइम पे जब ये एलिगेशन लगे थे मैं मतलब मेंटली बहुत ज्यादा ब्रोक हो गया था। मतलब जब ये केस हुआ था ना, तो वी वर इन रिलेशनशिप एट दैट टाइम, तो मतलब अरुण ने मेरे से डिस्कस किया और मेरा मतलब टेम्पर बहुत ज्यादा हाई था। मैंने कहा मैं आ रही हूँ अभी ये वो, तो बट हमें उस टाइम पे मतलब इतना ज्यादा वो नहीं करना था ना, डिस्क्लोज नहीं करना था कि किस बेसिस पे हम वो करेंगे।
तो फिर अरुण ने मेरे से डिस्कस किया था कि उपासना ऐसे केस है ये वो, क्योंकि सबको ये लगता है कि लड़के पे अगर हम केस डाल दें ऐसे एलिगेशन तो कौन लड़की शादी करेगी, कौन लड़की। और मेरे पे ये केस भी इसीलिए डाला गया था कि इसकी कौन लड़की इससे शादी करेगी। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैंने अरुण ने जब मेरे से डिस्कस किया मैंने कहा बिल्कुल बैकआउट नहीं करना है, मम्मी भी बिल्कुल उसमें थे, मैंने बिल्कुल बोल दिया था, मैंने कहा नहीं आप लोग कोई टेंशन नहीं है जो होगा देखा जाएगा। अरुण कहता हमें भी याद एक दिन अगर उपासना में जेल हो गया, जेल में चला गया या नहीं मैं बताऊं, मतलब पता क्या था देखो मैं उस टाइम पे ना बहुत सारे इंसिडेंट्स एक साथ हुए थे, टीआरडी, फिर आपकी वो जॉब स्विच का, जॉब का, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई थी। मतलब एक साल वो एक महीना ना वो राहु केतु जुलाई दशा आ जाए। मैं आपको बताता हूँ, और उसी टाइम में ना सुशांत सिंह राजपूत का वो सुसाइड वाला आया था, 13 जून के आसपास की बात है, और मेरी वो पूरी राहु दशा वो पूरे ग्रह वगैरह पूरे खराब होने स्टार्ट हो गए थे। मुझे ना मतलब सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बिल्कुल ना मेंटली बिल्कुल पूरा मैं ड्रेन हो चुका था यार। एक बात देखो ना, मैं पता है जिस टाइम पे ये केस हुआ था ना, मैं अपने करियर के बहुत पीक फेज पे था, बहुत ही। और मैं आज सच में डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत ही बड़े चैनल का मेरे पास एक रियलिटी शो था उस टाइम पे, मैं सच में बता रहा हूँ, मेरे पास पूरे मैं हर एक चीज प्रूव करूंगा मैं, मतलब ऐसा हुआ तो। और वो ऐसा हुआ ना कि मैं मतलब बिल्कुल यार मेंटली वो हो गया, मतलब मेरे को याद है अभी भी, मतलब बहुत से लोगों को बड़ा स्ट्रेंज लगेगा कि मतलब किसी टाइम ऐसा होता था कि इतना ज्यादा डिप्रेस कि 1-2 बजे मतलब लिटरली जब मैं बोल रही होती थी कि नहीं अरुण मतलब मैं कॉल भी करूँ तो अरुण का बिल्कुल भाई, क्योंकि मेरे लिए डर लगने लग गया था उस टाइम पे भाई, मेरे लिए गलत स्टेप ना ले रही हूँ मैं ना, चीजों को मोटिवेट करती थी अरुण ऐसा नहीं ऐसा ऐसा नहीं ऐसा, मतलब वो टाइम जो था ना वो 6 महीने का आई थिंक भाई मेरे लिए ना, मतलब वो फेज फिर खुद को ये संभालना कि भाई मैं केस करने के लिए मतलब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यार बहुत सारी चीजें जो मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि अभी क्योंकि एविडेंसेस वगैरह सारी चीजें मैं नहीं चाहता कि कुछ भी चीज सामने आए। पर मतलब मैं एक चीज ब्रीफ करना चाहूंगी इसमें थोड़ा सा कि मतलब जो भी केस है वो जस्ट मम्मी का कुछ डिस्प्यूट था, जस्ट कि वो एक नीचा दिखाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को आगे कर दिया और अरुण के उस पे केस डाल दिया कि मतलब अरुण ने उसको छेड़ा यार, है अभी तो अब। अरे यार मैं बता रहा हूँ ना, मैं पूरी सेक्शंस बकायदा बताऊंगा, FIR की मैं कॉपी अपलोड करने वाला हूँ, अभी नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसीड होगा। और यार पता है क्या है कि एक्चुअली ना मेरे फादर बहुत ज्यादा शरीफ हैं, बहुत ज्यादा शरीफ, अगर वो जैसे नहीं होता कि अगर कोई कुछ कह भी दे ना तो वो इग्नोर कर देते हैं कि यार लड़ाई झगड़ा बचे, ठीक है। तो उनको ये था कि यार ये लोग तो कुछ करेंगे नहीं, बहुत शरीफ है। मेरा ना फिर दिमाग घूम गया, मैंने कहा भाई ये तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और मैं चाहता मेरे पास और भी वे आउट्स थे जो मैं कर सकता था, बट मैंने लीगल जाना प्रेफर किया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, पहले लीगल ही चलते हैं। और मैं ये आज व्लॉग चैनल के मैं माध्यम से ये मैं बात बोल रहा हूँ, इस केस को मैं प्रूव करके एंड मैं सच में ये सारी की सारी चीजें रखने वाला हूँ कि भाई ये जो फेमिनिज्म का कार्ड होता है, जो लड़कियां कार्ड प्ले करती है ना, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी बहुत सारी वीडियोस भी इसी बात पे होती हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे। और मैं हमेशा कई बार बोलता आता हूँ, जब कई लोग कमेंट करते हैं ना लड़कियां कि ऐसा नहीं होता, आप लोग तो ऐसे बोलते सिर्फ लड़कियों को बदनाम करते, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने कहा ये रियल इंसिडेंस पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पूरी पर्सनल लाइफ की ऐसी हो जाती है, जो आपकी जॉब है उसकी ऐसी हो जाती है। और मैंने बताया ना मैं अपने करियर के उस पीक पे था, मैं मतलब ये था कि हम तो उस टाइम पे मतलब एक दूसरे का हमें पता था, तो हाँ। मतलब सोचो कि अगर अरेंज मैरिज है भाई, नहीं होती है, नहीं होती है। इवन आप अरेंज मैरिज की बात करो, अगर आपके घर में कोई लड़की है ना और आपको वो ब्याहनी है, उस लड़की की शादी नहीं होती है कि भाई इनके घर में तो जो भाई पे ऐसा केस है, तो पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने शो था। एंड मेरे पास वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उस टाइम पे फुल्ली प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम यार, मेरे इतने उस टाइम पे ना कॉलेज शो से लेके मतलब मेरी लाइफ ना इतनी सेट थी कि मैं उस टाइम पे 2019 की बात कर रहा हूँ, 20 की, जब कोविड से पहले की, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ आज भी अपनी, कि मैं जो उस टाइम पे अर्न करता था ना, आज मैं उसके मतलब 1/3 भी अर्न नहीं कर पाता हूँ। मतलब मैं उस पीक पे चला गया था, टिकटॉक पे 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे उस टाइम पे, यार वो बड़ी बात थी यार उस टाइम पे, मैं बात करूं कोविड से पहले की, टिकटॉक पे 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। आप ऐप का नाम बोलो, सारे कॉन्ट्रैक्ट थे, हेलो से लेके वीगो हर ऐप पे मैं था, वो बीगो लाइव था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया अपना यार हर एक, और कॉलेज शोज आने लग गए थे यार, सबसे बड़ी बात ये थी। लेकिन उस इंसिडेंस ने ना मेरे को मतलब इतना तोड़ा, और आज भी मतलब कहीं ना कहीं है यार बहुत सारी बातें, लेकिन ठीक है यार, मैंने आपको बोला कि वी विल रिवील ईच एंड एवरीथिंग, आप बस टाइम का वेट करो परफेक्ट। एंड मैं इस केस के थ्रू मैं हर एक चीज यही प्रूव करना चाहता हूँ, बदला तो नहीं लेते यार, मतलब मेरा बस ये है
कि यार कोई भी ऐसे फेक एलिगेशन किसी पे कैसे लगा सकते। और मैं कह रहा हूँ कि चलो यार कभी दोनों तरफ से हल्की फुल्की गलती, यार मैं तो उस क्या नाम है, कभी मेरी हाय हेलो भी नहीं हुई जिससे, हाय हेलो भी नहीं हुई कभी, ये हो ना कि बात भी की हो तो चलो कहीं से ये नंबर, मतलब इतने वियर्ड वियर्ड मेरे ऊपर वो है ना कि मतलब मैं आपको क्या बोलूंगा, ठीक है। एंड जहां पे मैंने आपको बोला कि मैं जैसे जानता भी नहीं हूं, तो ठीक है यार टाइम अभी आएगा। शुरू में यार किसी को मैं बताता नहीं था, क्यों, सब ये कहते थे कि बेइज्जती होगी, लेकिन फिर मैंने खुद को प्रिपेयर किया भाई, क्यों, जब मैं गलत ही नहीं हूं तो मैं वैसे दुनिया को भाषण देता फिरता हूं, जब भाई तुम सही हो तो किससे डरो मत, तो जब भाई मैं सही हूं तो कौन माइकल लाल ऐसा होता है कि मैं खुद में डर रहा हूं मैं, तो शुरू में तो मैं कहीं बताता नहीं था यार बेइज्जती हो जाएगी, मम्मी कहती बेटा दबा के रखना, मैंने कहा भाई ठीक है टाइम आएगा। और अभी भी हैं एलिगेशंस, एक सेक्शन है वो थोड़ी सी ज्यादा गंभीर है, मैंने कहा उससे भी अब बाइज्जत बरी हो जाएंगे। मतलब सिर्फ ये चीज होती है कि इससे ना वो इंसान ही, मतलब तब भी मैंने यही बोला था, मैं आज भी यही चीज बोल रही हूँ कि चलो हम साथ हैं, एक दूसरे पे उतना ट्रस्ट है कि मेरे को पता था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। भाई बस मैं आप लोगों से इतना कहूंगा, जो भी रिश्ते आपके पास है ना कदर करो। शुरू में मैं भी ऐसे ही बोलता था, लेकिन भाई जब मैं कोर्ट जाने लगा हूं ना, तो एक्चुअली क्या है कि महिला कोर्ट में ही चल रहा है मेरा केस, भाई आसपास में लोग बैठे रहते हैं सारे डाइवोर्स के लिए लड़ रहे हैं, परेशान है, ठीक है, लड़ाइयां चल रही हैं, परेशान है, वहां पे माँ बाप परेशान घूम रहे हैं। भाई मैं हमेशा कहता हूँ जो रिश्ते हैं ना उनकी कदर करो, जो भी आप रिश्ते अपने साथ आपके पास है ना उनको संभाल के रखो भाई, ये कोर्ट केस वगैरह में इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ नहीं रखा लोग कहते हैं भाई, वो इसलिए कहते हैं वहां पे जाके ना उस अकेले पर्सन की मतलब सोशल मेंटल हेल्थ, मतलब जो सबसे ज्यादा होती है जो बाहर से विजिबल नहीं ना मेंटल हेल्थ, क्योंकि इंसान के अंदर वो जो एक मतलब वो सुनामी आती है ना, आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे को पता है नहीं यार हमने वो टाइम कैसे टाइम, अरे यार पता है पहली बार अरुण को रोता देखती थी रात को, मतलब वो चीज में भाई मैं बताऊं क्या इतना मोटिवेटेड इंसान हूं ना मैं कि मैंने कहा नहीं। और मेरे लिए पता सबसे पता उस पार्ट पे क्या होता था यार, एक्चुअली मतलब मेरे जो फादर है ना तो उनकी यार बहुत ज्यादा, क्योंकि वो है टीचिंग प्रोफेशन में, वो टीचर रहे, उन्होंने बहुत बच्चों को पढ़ाया, तो आसपास के जो गांव है सब जानते हैं उनको, तो वो बहुत ज्यादा सोसाइटी ओरिएंटेड है। पापा रहे शुरू से बहुत ज्यादा सामाजिक है, तो उनको मतलब ऐसा हो गया था कि यार, क्योंकि यार उनको है कि लोग क्या कहेंगे, अरे वो अपनी जगह ठीक है क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है, क्योंकि और इतने सारे लोगों से मिलते हैं, तो उनको हो गया था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो बहुत हमने खुद को मतलब मेंटली प्रिपेयर किया है पूरी फैमिली ने। पापा तो एंड तक कहते कि बेटा केस मत करो, रहने देते हैं, ये मत करो, ठीक है, लेकिन बहुत हम लोगों ने, मम्मी ने बहुत हिम्मत रखी है भाई, मैंने मतलब मम्मी को देखा है कोर्ट में, ठीक है, वो सारी बातें रिकॉल करके, मतलब बहुत सारी चीजें हैं यार, मतलब मैं करूंगा सारी की सारी डिस्कस, बस दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम, थोड़ा सा प्रोसीडिंग्स जो रहती हैं वो थोड़ा स्लो रहती हैं, बट यस। और बाकी ऊपर वाला देख रहा है, एक बार मेरे मुंह से गलती से निकल भी गया था, मेरे पास होगा, मैं कहूँ पास ना कर मुझे जेल हो गई, तो कह रहे यार कैसी बात कर रहे हो, तो ठीक है यार चलो। एक मैं हूं जो तेरे कत्ल की साजिश में था, एक तू है जो मेरे लिए जेल में रोटी लाया पागल। तो यार ठीक है, इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, ठीक है, धीरे धीरे मैं सारी अपडेट्स आप लोगों को देता रहूंगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग से बोला कि, क्योंकि मैं पता क्या सारी बातें क्यों नहीं बता रहा मैं धीरे धीरे, क्योंकि जो जो चीजें क्लियर होती जा रही है ना मैं आपको वो पोर्शन से बताता जा रहा हूँ, तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। लाइफ में यार बहुत सारे डल मोमेंट्स आते हैं, ठीक है, बट सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टूट कर नहीं बिखरना है, अपना बस आपको ये ध्यान रखना है, चाहे साला कुछ भी हो जाए ना, कि तुम्हें बताया ना कि तुम सही हो, चलने दो यार, बाकी आपका पार्टनर सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है, ये सबसे ज्यादा मतलब वो है कि मैंने इनकी बहुत ज्यादा तारीफ भी की इस बारे में, बस यार मेरे को नहीं करना, आई डोंट वांट टू क्राई इन दिस व्लॉग, बाय।